Assalamualaikum, क्या हाल है आपके? और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर पुलाव। आज मेरा मन था कि आज मैं मटर पुलाव बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उसमें पनीर भी फ्राई करके डालूँ, पनीर से और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है पुलाव। तो इसके लिए मैं ये पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में फ्राई कर रही हूँ। चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर ली है और प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और ये क्यूब्स फ्राई हो गए हैं। गरम मसाला लिया है और जीरा लिया है। 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था, तो मैंने उसमें प्याज फ्राई करने के लिए डाल दी है। प्याज को ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही रखना है। साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया, जीरा और गरम मसाला। इसमें मैंने लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची ली थी और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया था। इसे मैंने हल्का हल्का क्रश कर लिया था। साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और इसे मैं हल्का सा भूनूंगी। और यहाँ पर मैंने जो मटर ली थी वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मटर पुलाव के साथ आज मैंने बनाई है बेसन वाली फ्राई मिर्ची, हल्की मिर्च के पकौड़े जो मुझे बहुत पसंद है। उसकी रेसिपी भी मैंने अलग से शेयर की है, इसलिए मैंने अगर डालती वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती, वो मैंने अलग सेपरेट बनाई है, तो आप उसे भी जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए थे और मैंने नमक भी डाला है, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैं हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मैं भून लूँगी इस मसाले को, और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी बॉईल हो गया था तो मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए थे। साथ ही अब इसमें मैं ये मटर पनीर के जो क्यूब्स थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने 2-3 बार इसे चलाया है चावल को, लेकिन ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्के हाथ से चलाना है वरना चावल टूट जाते हैं। और देखिए हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला डाला था हल्का, और ये प्याज का भगार लगा रही हूँ, इससे पुलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबूदार हो जाता है। देखिए हमारा मटर पनीर पुलाव रेडी है मिर्च के पकौड़ों के साथ। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।